मैं कहाँ हूँ? बाप रे, मुझे किसने सर पे मारा? हेलो बच्चों, मुन्नी बारबीज की कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। मुन्नी की मम्मी मुन्नी के बाल बना रही है। चलो देखते हैं क्या होता है आज। बेटा, तुम्हारे बाल बहुत घने हो गए हैं और चोटी भी बहुत लंबी हो गई है, इसका ज़रा अच्छे से ख्याल रखा करो। मैं तुम्हें बार बार चोटी तो नहीं बना सकती ना? हाँ मम्मा, मैंने भी सीख लिया है चोटी बनाना। आप आज एक के लिए प्लीज़ एक दिन के लिए बना दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम से खुद ही बना लूँगी और अच्छे से ख्याल रखूँगी अपनी चोटी का। मेरी प्यारी बेटी कितनी बड़ी हो गई देखते देखते। तभी वहीं से शिन्नी आने लगती है। मम्मा मम्मा मम्मा। हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? मम्मा मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, छोले भटूरे चाहिए मुझे, दाल पकवान चाहिए मुझे, दाल मम्मू चाहिए मुझे, सांबर इडली चाहिए मुझे, सब कुछ चाहिए मम्मा। ओहो मेरी प्यारी बेटी, मैं अभी किचन में जाकर देखती हूँ कि कुछ है कि नहीं, और तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। हाँ मम्मी, मेरा भी दाल पकवान खाने का बहुत मन कर रहा है, आज दाल पकवान बना लेते हैं। ये शुन्नी तो ना कुछ भी बोलती रहती है, इतने सारे डिशेस मम्मी कैसे बनाएंगी। पगली मुन्नी की मम्मी दाल पकवान बनाने के लिए किचन में दाल देखने जाती हैं। देखती हूँ दाल है कि नहीं, कल देखी थी तो बहुत कम थी, अभी देखती हूँ दाल है या नहीं। अभी देखती हूँ दाल, अरे दाल तो खत्म हो गई, अब मैं दाल पकवान कैसे बनाऊंगी? और शिन्नी के मुन्नी के पापा भी नहीं हैं घर पर, उन्होंने तो कहा था रात में आएंगे, और अभी बारिश के भी दिन है। बाप रे, दाल ही नहीं है घर में, मैंने तो देखा ही नहीं, दूसरे बर्तन में देखती हूँ कुछ मिल जाए। अरे यहाँ पे कुछ नहीं है। ओ दैया रे दैया, अब मैं क्या करूं, इतनी बारिश में तो ठंड में मैं बाहर भी नहीं जा सकती, इनको बताती हूँ। मुन्नी शिन्नी। हाँ मम्मा, क्या हुआ मम्मा? बेटा दाल तो खत्म हो गई है, मैं तुम्हारे लिए कुछ सूजी का हलवा बना दूं क्या? ओ मम्मी कोई बात नहीं, मैं दाल लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बारिश का मौसम है और बहुत ठंडा भी, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पापा का आएंगे तो कल मंगवा लेंगे। ओ मम्मी, शिन्नी और मुन्नी का तो दाल पकवान खाने का बहुत मन कर रहा है, मैं जाके ले आती हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यूँ गई और यूँ आई। अच्छा बेटा, तुम ध्यान से जाओ, बारिश की वजह से पेड़ वेड़ गिर जाते हैं और बहुत मुश्किलें हो सकती है, तुम देख कर जाना बेटा, रास्ता खतरे से खाली नहीं है। हाँ मम्मी, आप भी ना बिल्कुल चिंता करते रहते हो, कुछ नहीं होगा, मैं अभी यूं गई और यूं आई। और आहिस्ते जाना, रास्ते में जंगल पड़ता है, ठीक है? मुझे बहुत डर लगता है। हाँ मम्मा, आप तो कभी भी डरते ही रहते हो, डरो मत, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ और घर के काम भी ठीक से कर सकती हूँ। मैं यूँ गई और यूँ आई मम्मी, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ ले लिया है, बाय। अरे वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, कितना सुहाना मंजर है। मम्मी तो यूं ही डरती रहती है कि जंगल के रास्ते से मत जाओ मत जाओ। मम्मी तो यूं ही डरती रहती है जंगल के रास्ते से मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैं तो बहादुर बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मगर ये जंगल इतना खाली और सुनसान क्यों है? यहाँ तो एक गाड़ी भी नहीं दिख रही है। तभी अचानक से रास्ते में पत्थर आ जाते हैं और मुन्नी रुक जाती है। अरे ये क्या, इतने सारे पत्थर, पहले तो पत्थर नहीं थे, अब यहाँ पे पत्थर कहाँ से आ गए?
बाप रे, अब मैं इनको कैसे हटाऊं, ये तो भारी भी लगते हैं, अब मैं आगे कैसे जाऊंगी। बाप रे, अब मम्मी को फोन करना पड़ेगा अब कि मैं वापस आ रही हूँ, नहीं तो मैं पत्थर और ये पेड़ पार करके नहीं जा सकती। लगता है आगे तूफान आया है और कितनी हवाएं भी चल रही है। बाप रे, अब सामान कैसे लाना होगा। अरे लगता है मेरे को ही खुद ही पत्थर हटाने पड़ेंगे, नहीं तो मैं राशन और पानी कैसे लेकर आऊंगी। अगर हम तूफान में फंस गए तो हमें दाल खाना भी नहीं मिलेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलो मैं ही उतर कर यहाँ से पत्थर हटाने की कोशिश करती हूँ। मुन्नी स्कूटर से उतर कर पत्थर की तरफ चलने लगती है। ये बाप रे, ये तो कितने भारी पत्थर है, इसने सड़क पे किसने रख दिया ऐसे। बाप रे, ये पत्थर भी ना, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, यहाँ रास्ते में कोई और दिख भी नहीं रहा मेरी मदद के लिए, मुझे ही हटाना पड़ेगा ये सारे पत्थर। तभी वहां से एक डाकू आ जाता है। अरे कितनी खूबसूरत लड़की है, चलो मेरा जाल काम आ गया, इसके बैग में कुछ सामान मिल जाएगा तो अच्छा होगा, उसका सामान चुरा के मैं इसको बेच दूंगा शहर में, इतनी खूबसूरत लड़की तो मेरे बहुत काम आएगी। मेरा जाल काम आ गया, मेरा शिकार हाथ आ गया। तभी वो डाकू लकड़ी लेके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है मुन्नी की तरफ। मुझे किसने मारा, मुझे किसने मारा, बहुत दर्द हो रहा है। मुन्नी ही बेहोश हो जाती है। अरे वाह, आज तो बड़ा शिकार हाथ लगा है, देखते हैं इसके बैग में कितने पैसे हैं। चोर मुन्नी के बैग में चेक करता रहता है। अरे ये तो बैग खाली है, इस बैग में तो कुछ भी नहीं, अब मैं इसी को किडनैप करके इसी से पैसे कमाऊंगा। चोर मुन्नी को किडनैप कर भागने लगता है। अरे कितनी भारी है ये, बाप रे, मुझे तो उठाया भी नहीं जा रहा, चलो जल्दी से जाता हूँ, इसकी स्कूटी भी चुरा लेता हूँ और इसे भी चुरा लेता हूँ। तभी उस रास्ते से कोई आ रहा होता है। अरे ये कौन है हैंडसम बॉय, नहीं ये नहीं, अरे अरे ये तो राहुल है। राहुल देखता है कि सामान बिखरे हुए होते हैं। अरे यहाँ पे किसकी स्कूटी खड़ गिरी हुई है, किसका बैग गिरा हुआ है, और यहाँ पे तो लकड़ी भी है, यहाँ पे कुछ हुआ है। बाप रे, किसी का किडनैप तो नहीं हुआ, मैं अंदर जाकर जंगल में जाकर चेक करता हूँ, उससे पहले ये लकड़ी उठा लेता हूँ। यहाँ पे किसी का बैग भी है, चलो चेक करता हूँ कि ये बैग किसका है। अरे इसमें तो कुछ भी सामान नहीं है, लगता है यहाँ पे चोरी भी हुई है, लगता है जंगल में कुछ हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैं जंगल में जाकर देखता हूँ कि कोई खतरे पे तो नहीं। अरे ये मुन्नी को लेकर कहाँ लेकर आ गया, मुन्नी को लेकर कहाँ जा रहा है, बाप रे, मुन्नी को लेकर कहाँ जा रहा है ये चोर। मेरा काम पूरा हो गया, मैंने उसे बांधकर अंदर रख दिया है, चलो मैं तो थक गया हूँ इसे उठाकर, कितनी भारी थी वो लड़की, मैं पानी लेकर आता हूँ, मुझे किसी ने देखा तो नहीं ना। कोई नहीं है यहाँ, चलो पानी लेके आते हैं। तभी मुन्नी जाग जाती है। मैं कहाँ हूँ, बाप रे, मुझे किसने सर पे मारा, बहुत दर्द हो रहा है सर पे, मैं कहाँ हूँ, मेरा मुंह भी बंद है, बाप रे। भगवान मेरे लिए कोई सहायता भेजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं ऐसे मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे कोई बचा लीजिए,
भगवान मेरे लिए कोई भेज दीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं इस चोर के पास रह के मरना नहीं चाहती। चोर पानी पी के आ जाता है। पानी पी के थकानी दूर होगी। देखता हूँ वो लड़की क्या कर रही है। अरे ये तो जाग गई है। कौन हो तुम? मेरे मुंह से खोलो पट्टी, खोलो मेरे मुंह से पट्टी खोलो। ये लड़की चुप चुप, आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं। मैं कहाँ हूँ, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। चुप चुप चुप, एक भी आवाज की तो गोली से उड़ा दूंगा। अभी बस आती होगी हमारी गाड़ी, तुझे गाड़ी में लेके दूसरे गांव भेज दूंगा। चुप लड़की। अरे वहां पे तो किसी लड़की को पकड़ लिया है चोर ने। बाप रे, ये तो लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं जंगलों में। अब मुझे कुछ करना होगा। उसके पास तो बंदूक भी है। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। मैं पीछे से अटैक करता हूँ, चुपके से जाके, बिल्कुल भी आवाज नहीं करता हूँ। राज चुपके से आता है और पीछे से अटैक करता है। ओ, किसने मारा मुझे? ओ, 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 मेरे सर फोड़ दिया। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। अटैक करेगा चोर कहीं के लड़कियों पे, अटैक करेगा, किडनैप करेगा। तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तभी डाकू बेहोश हो जाता है और गिर जाता है नीचे। अरे तुम बिल्कुल भी डरो मत, मैं आ गया हूँ, तुम्हें बचा लूंगा। मैं तुम्हारी पूरी रस्सी सब खोल देता हूँ। बाप रे, कितनी बुरी तरह से बांधा है इसने। बिल्कुल भी डरो मत, मैं खोल देता हूँ तुम्हारी रस्सियाँ। ओह शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। राज मुन्नी को पूरी तरह से छुड़ा देता है। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो लगा था मैं आज मर ही जाऊंगी, बिल्कुल जिंदा नहीं बचूंगी। ओहो कोई बात नहीं, भगवान ने आपकी सुन ली और मुझे भेज दिया शायद। हा हा हा। चलो इस चोर डाकू को हम बांध देते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। राजू डाकू को बांध देता है और उसको उसके ही टेंट में फेंक देता है। मैंने उस चोर को बांध दिया है और पुलिस को भी कॉल कर दिया है। अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं, और इस जंगल में दूसरे भी डाकू हो सकते हैं। हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। हाँ हाँ मेरी बाइक और बैग है वहाँ पे, चलो चलते हैं। मुझे रास्ता भी नहीं मालूम। मुझे पता है, मैंने ढूंढा है और रास्ता भी बना लिया है। चलो जंगल से होकर हम वापस चलते हैं। लेकिन मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे पाँव में चोट आ गई है। पत्थरों में गिरने की वजह से मेरे पाँव को चोट लग गई है। ओह कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ गोद में। क्या आप तुम इजाजत देती हो मुझे कि मैं तुम्हें उठा लूँ? उठा लेता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, उठा लो। राज मुन्नी को गोद में उठा लेता है और उसे अपनी स्कूटी के पास लेके जाता है। राज मुन्नी को गोद में उठा के चलता जाता है और गुफा को पार करने लगता है। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बाय।